हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉय और आज की इस वीडियो में मेरे पास तुम लोगों के लिए एनिमे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ है। जैसे कि क्या जल्दी ही हमें डोरेमोन की स्टैंड बाय टू मूवी हिंदी डब में देखने को मिल सकता है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, और परमैन को लेकर भी बहुत सारी अपडेट्स है और भी कई सारे एनिमेटेड न्यूज़ है और अपडेट्स भी है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर अभी तक तुमने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो Without wasting time, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली अपडेट आ रही है परमैन को लेकर। तो कुछ टाइम पहले जब परमैन को हंगामा पर शुरू किया गया था, तब मंडे टू फ्राइडे हंगामा पर शाम के 5:30 बजे परमैन को दिखाया जाता था, जिसके बाद परमैन को फिर से शिफ्ट कर दिया गया सैटरडे टू संडे शाम के 5:30 बजे। और अभी ये परमैन को लेकर न्यू अपडेट आ रही है कि अब से हमें परमैन देखने को मिलेगा मार्वल स्क्रीन पर मंडे टू फ्राइडे 5:00 बजे। छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा तुम लोगों को शेयर करना बनता है। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है पोकेमॉन मूवी 16 को लेकर। वेल, अगर तुम लोगों को याद होगा कि कुछ ही टाइम के लिए पोकेमॉन मूवी 16 के प्रोमो को लॉन्च किया गया था, उसके बाद प्रोमोस आना बंद हो गए। वेल, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि अभी पोकेमॉन मूवी 16 को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए शायद प्रोमोस को अभी नहीं दिखाया जा रहा है और शायद मूवी के आने के 1 हफ्ते पहले से शायद हमें प्रोमोस देखने को मिल जाएंगे। वेल, तुम लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना कि तुम लोग इस मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटिंग हो। तो अभी बात करते हैं शिनशान और हंगामा के बारे में। तो अब तक मतलब 2080 के बाद से अब तक हमें शिनशान के साथ कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है, क्योंकि स्पेस टोन जो कि कंपनी है वो हंगामा को शिनशान के राइट्स देती है, और अभी तक जो शिनशान के राइट्स थे वो पूरी तरह से होल्ड पर थे, लेकिन अभी शिनशान के जो राइट्स थे वो होल्ड पर नहीं है, जैसा कि तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो अभी जो शिनशान के राइट्स है वो अभी हंगामा के पास है, तो हम लोग अभी होप कर सकते हैं फ्यूचर में कि शिनशान के न्यू मूवीज और न्यू एपिसोड हमें फ्यूचर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तुम लोगों को ये अपडेट कैसे लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट अपडेट है कितिरिसु को लेकर। तो अगर तुम लोग कितिरिसु के शो के फैंस हो तो तुम लोगों के ये बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि कितिरिसु के सीजन 4 के एपिसोड आने वाले हैं डिज्नी चैनल पर और टाइमिंग तुम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वेल, देखो कि आगे क्या होता है। सो गाइज, अभी बात करते हैं डोरेमोन के बारे में। तो हाल ही में डिज्नी चैनल पर तुम लोग डोरेमोन के डिफरेंट टाइप के सीजन देख रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि न्यू एपिसोड्स भी डिज्नी चैनल पर आ रहे हैं, और अभी से डोरेमोन के न्यू एपिसोड्स दिन में आएंगे और रात में हमें डोरेमोन के पुराने सीजन देखने को मिलेंगे। वैसे ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अलग अलग सीजन एक ही दिन में देखने पर हमें शो देखने का हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। वेल, छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा तुम लोगों को बताना ज़रूरी है। तो अभी बात करते हैं बेबलेट के बारे में। तो तुम्हें से काफ़ी लोग बेबलेट के रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभी बेबलेट के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, और अगर बेबलेट के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आया तो मैं तुम लोगों को ज़रूर से वीडियो में बता दूंगा। सो गाइज, अभी बात करते हैं डोरेमोन की मूवी स्टैंड बाय मी 2 के बारे में। तो हम लोग अभी डोरेमोन को लेकर एक कैंपेज करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक में एक पोस्टर है, जाओ उसे डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद ट्विटर को ओपन करो और ट्विटर पर इस पोस्टर के साथ तुम लोग टाइप करो लेट्स ब्रिंग बैक डोरेमोन मूवी स्टैंड बाय मी इन इंडिया। उसके बाद तुम लोग टीवी एसआई और डिज्नी इंडिया को टैग कर लो, और टैग करने के बाद #IndiaWantsBeyblade StandByMe2 इसको ट्वीट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीट्वीट भी कर देना, ताकि डिज्नी वालों तक ये मैसेज पहुंच जाए। और मैं इसके लिए डिटेल स्टोन को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस कैंपेज की शुरुआत की है। सो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। सो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।